नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के पहले। ठीक है, तो ये 9 के 9 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स आप समझिएगा, एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके ये 9 पॉइंट्स हम शुरू करते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के पहले ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि डोंट फॉलो टिप्स। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हो तो टिप्स को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको खुद की स्टडी करके ही शेयर खरीदना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो पता नहीं कैसे बहुत सारे लोगों को आपकी डिटेल्स मिल जाती है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं, आपका नाम भी मिल जाता है। ठीक है, आप देखो, जिन लोगों के डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं उनको इंदौर से फ़ोन आएंगे टिप्स के लिए, और भी एडवाइजरी फर्म से फ़ोन आएंगे टिप्स के लिए। तो इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं लीक होता है। तो खैर, हमें उस चीज़ में पढ़ना नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ लीक हुआ कहाँ नहीं लीक हुआ, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, बट जब भी आपको फ़ोन आते हैं इंदौर से या फिर और भी कहीं जगह से टिप्स के लिए, तो उन टिप्स के बेस पे आपको शेयर नहीं खरीदना है। अगर आप वैसा खरीदोगे शेयर तो दो तरीके से आपका लॉस होगा। पहला तो आप वो टिप्स वाले जो पैसे लेते हैं, ठीक है, फ्री में तो वो टिप देते नहीं आपको, ठीक है, वो उनको पैसा देना पड़ेगा आपको। दूसरा है कि शेयर में भी आपका लॉस ही होगा, क्योंकि टिप्स देके कोई भी किसी को प्रॉफिट नहीं करा सकता है। तो इसीलिए टिप्स के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि चलो इंदौर वाले को छोड़ दीजिए, हम टीवी एनालिस्ट की टिप्स ले लेते हैं जो कि फ्री में टिप्स देते हैं, तो फ्रेंड देखिए, टीवी जो देख रहे हैं आप, बिजनेस न्यूज चैनल जो देख रहे हैं, वो आप अकेले नहीं देख रहे हो, ऐसे बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, वो टिप्स ले रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको एकला चलना पड़ेगा, मतलब भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे। जहाँ भीड़ जा रही है वहीं अगर आप जाओगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। तो टीवी देखने वाले लोग बहुत है और टिप्स देखने वाले लोग बहुत है, और आप भी अगर वही करोगे तो भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो जो टीवी पे बताते हो कि गलत नहीं बताते, अच्छा ही बताते हैं, वो आप देख सकते हो, टीवी पर देखिए, उनके सजेशन सुनिए, बहुत सारा नॉलेज हमें मिलता है जो भी वो लोग बोल रहे हैं ये शेयर खरीदने के लिए पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, आप खुद की स्टडी वहाँ पे अप्लाई करिए, और खुद की स्टडी में अगर ये निकल कर आता है कि मुझे वो शेयर खरीदना चाहिए, तभी वो शेयर खरीदिए। सिर्फ ब्लाइंडली उस पर्टिकुलर एनालिस्ट ने अगर बोल दिया शेयर खरीदने के लिए तो आपने खरीद लिए, ऐसा मत करिए। ऐसा करोगे तो कभी भी आप पैसा बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि स्टॉक मार्केट में पैसा अगर आपको कमाना है तो दूसरे आपको पैसा कमा के दे नहीं सकते। दूसरों से आप नॉलेज लीजिए, ठीक है, नॉलेज गेन करिए, बट उनके टिप्स फॉलो मत करिए। ठीक है, उनके कहने पर शेयर मत खरीदिए, खुद की स्टडी होना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट है कि डू योर ओन स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको स्टडी करना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। अब ये रिसर्च आप कहाँ से करोगे? तो दोस्तों, इंटरनेट ऐसा माध्यम है जहाँ से आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, सारा नॉलेज हासिल कर सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में। मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ, उन वेबसाइट्स पे जाके आपको कंपनी की सारी जन्म कुंडली मिल जाएंगी, जैसे कि सारा डेटा मिल जाएगा, सारा फाइनेंशियल मिल जाएगा, सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, पहली वेबसाइट से www.bseindia.com, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको लगभग BSE में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं सभी कंपनी के डेटा मिलेंगे, उनके फाइनेंशियल्स मिलेंगे, उनकी बैलेंस शीट्स भी वहाँ पे दिखाई देंगी, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे कैसे आए हैं वहाँ पे, 2 कॉपी अपलोडेड मिलेंगी आपको क्वार्टरली रिजल्ट की, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में और भी सारे नंबर्स वहाँ पे दिखते हैं, कंपनी कौन कौन से अनाउंसमेंट कर रही है, ठीक है, कंपनी में क्या चल रहा है, बहुत सारी दुनिया भरी की बातें आपको वहाँ पे समझने को मिल जाएंगी BSEindia.com की वेबसाइट पे। दूसरी वेबसाइट है दोस्तों MoneyControl.com, इस वेबसाइट पे भी आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंपनी के बारे में तो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज़ है, कौन सी ग्लोबल न्यूज़ है, कौन सा एनालिस्ट क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है ये CNBC जो है उनका है। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़ चैनल का ये वेबसाइट है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। उसके बाद में जो तीसरी वेबसाइट है, अगर आप शॉर्टकट में सारी चीज़ें समझना चाहते हो, मतलब वन पेजर, तो एक वेबसाइट है screener.in, ठीक है, screener.in। इस वेबसाइट पे आप कोई भी कंपनी का नाम डालोगे तो वन पेजर बोल के, मतलब सीधा एक पेज में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मतलब वो कंपनी क्या करती है, उसका मार्केट कैप कितना है, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है, ये भी आपको उस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो मतलब एक ही पेज में आपको उसके फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलेंगे, बैलेंस शीट देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, डिविडेंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को, मतलब क्विकली आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो इस वेबसाइट से। ठीक है, बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है। ठीक है, सिंपल एक ही पेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल जाती है, और बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, इसके डेटा क्या है, इसका चार्ट भी वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है,
तो बहुत ही बेहतरीन ये वेबसाइट्स है। तो इस तरीके की कुछ वेबसाइट्स है जिनकी मदद से आप कंपनी के रिसर्च एंड स्टडी कर सकते हो, पूरा डेटा हासिल कर सकते हो। थोड़ी मेहनत आपको लगेंगी क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये जो मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, मेहनत करोगे तो पैसा जरूर आप स्टॉक मार्केट से कमाओगे, ठीक है। बट खुद की स्टडी होना जरूरी है। जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है उनसे आप जाके पूछिए, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद मेहनत करके शेयर को ढूंढ के निकाला है और शेयर खरीदा है। दूसरों के कहने पर भी कुछ लोगों ने पैसा बनाया होगा, पर वो पैसा उतना नहीं बनता है जो पैसा आप खुद अगर मेहनत करके बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी वेल्थ आप अपनी बना सकते हो। दोस्तों तीसरा पॉइंट है पेशेंस। आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। दोस्तों देखिए, अभी तक की स्टॉक मार्केट की जो जर्नी रही है, स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है, 17% का एवरेज रिटर्न। अब ये जो रिटर्न आया है 17% का, ये एक दो दिन में नहीं आया है, ये लॉन्ग जर्नी में आया है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा और रातों रात अमीर बन जाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। रातों रात आप करोड़पति तो नहीं, रातों रात आप करोड़पति जरूर बन सकते हो। तो स्टॉक मार्केट को इतना इजीली मत लीजिए कि यहाँ पे करोड़पति बनना बहुत आसान है, यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान है। मार्केट इज़ अ सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है। अगर आप उसको सही से ट्रीट करोगे ना तो आपको वो बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दे सकता है, और अगर आप उसको गलत तरीके से ट्रीट करोगे ना वो आपको रोड पे भी लेके आ सकता है। तो मार्केट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहा है और सुप्रीम ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखना जरूरी है। आपका जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, लंबे समय के लिए होना चाहिए। पेशेंस धैर्य बना के रखें, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता जरूरी है, समय लगता है। इन्वेस्टमेंट जैसा हम करते हैं, जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करते हैं, तो प्रॉपर्टी हम एक दो दिन के लिए नहीं लेते हैं, प्रॉपर्टी जो लेते हैं हम लंबे समय के लिए लेते हैं, कई महीनों और कई सालों के लिए लेते हैं, तब जाके प्रॉपर्टी में हमारा रिटर्न बनता है। तो ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको रिटर्न कमाना है तो महीनों और सालों के लिए शेयर खरीदना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छी खासी वेल्थ आपको बना के देगा। अगर हम बात करें राकेश झुंझुनवाला की, अगर हम बात करें वॉरेन बफेट, ठीक है, विजय खेड़िया जी, तो इन लोगों ने जो अपनी वेल्थ बनाई है स्टॉक मार्केट से, अपनी वेल्थ बनाई है, तो इन लोगों ने मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात ये लोग अमीर बन गए, ठीक है। इन लोगों ने भी धैर्य बना के रखा, पेशेंस रखा, और ऐसी ऐसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने लेके रखे जो आगे जाके मल्टीबैगर बन गई, ठीक है। तो ये कब हुआ? जब उन्होंने पेशेंस रख के उन शेयर को होल्ड करके रखा। तो आपको होल्ड करके रखना है शेयर को अपने डिमैट अकाउंट में, बट होल्ड हमेशा अच्छी कंपनी को करके रखिए, जो खराब कंपनी है उसको होल्ड करके नहीं रखना है, ठीक है। कुछ लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो खराब कंपनी है उसको होल्ड करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और जो अच्छी कंपनी होती है उसको निकाल देते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि डू इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग। आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। अब देखिए, जैसे कि ट्रेडिंग मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूँ और मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की भी बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में दोस्तों पैसा नहीं बनता है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा लूंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि दोस्तों ब्रोकर आपको लिमिट भी देता है, मतलब कम पैसे में आप बहुत सारे शेयर खरीद पाते हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगा पाते हो स्टॉक मार्केट में, और आप सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग करके। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट करते होंगे, मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि उसको भी आप अवॉइड ही करिए, बेटर है स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, लंबे समय के लिए पैसा लगाइए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, वहीं पर आपकी वेल्थ बनेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटरटेनमेंट पर्पज से आए हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत मजा मुझे करना है, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है। ट्रेडिंग करके आप देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, मतलब दो चार पाँच दिन वाली जो ट्रेडिंग होती है, या फिर फ्यूचर ऑप्शंस वाली बात हो, ठीक है, वो अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो पैसा कमाना अपना प्राइम फोकस मत रखिए, पैसा कमाना अपना उद्देश्य मत रखिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो पैसा कमाना उद्देश्य मत रखिए। अगर पैसा कमाना उद्देश्य रखोगे तो आप हमेशा यहाँ पर निराशा ही हासिल करोगे, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत लोगों का शौक होता है दोस्तों ट्रेडिंग करना, तो फिर आप ट्रेडिंग अपना बजट बना के कर सकते हो कि हर महीने मैं 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, अगर ये मेरे पैसे चले भी जाते हैं तो मुझे कोई ज़्यादा नुकसान मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग का एक शौक पूरा कर रहा हूँ। तो उस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग को एक मजे के तौर पर आप ले सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आपको वेल्थ बनानी है
तो आपको इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा हथियार है जो आपको वेल्थ बना के दे सकता है स्टॉक मार्केट में, और बेहतरीन वेल्थ बना के दे सकता है। इनफैक्ट जो बाकी एसेट क्लास है, चाहे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, या फिर गोल्ड में पैसा निवेश करने की बात हो गई, या फिर FD में पैसा निवेश करने की बात हो गई, इन सबसे ज़्यादा पैसा आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि डोंट बाय पेनी स्टॉक। हमें पेनी स्टॉक कभी भी नहीं खरीदना है। अब पेनी स्टॉक मतलब कौन से स्टॉक, वैसे तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि जो शेयर का भाव 20 रुपए से कम चल रहा है उसको हम पेनी स्टॉक बोलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं वो कई सालों से काम करती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। कुछ होंगी जो कंपनियां जो अभी लेटेस्ट IPO लेके आती है, जो अभी अभी मार्केट में आई है, पर जो भी अभी आज के तारीख में IPO आते हैं उनके भाव बड़े ही होते हैं, 20 रुपए से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में इतने सालों से काम कर रही है उसका भाव आज भी 20 रुपए से कम है, दैट मीन्स वो कंपनी खराब है, दैट मीन्स उस कंपनी में कोई दम नहीं है, उस कंपनी की औकात ही वो है कि उसका भाव 20 रुपए से कम रहे। तो फिर वैसे शेयर में हम पैसा क्यों लगाते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि मैं 5 रुपए का शेयर खरीदूंगा, वो 100 रुपए 200 रुपए हो जाएगा, मेरा पैसा 100-200 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो 5 रुपए का जो शेयर है उसके 100 रुपए होने के चांसेस 1% से भी कम है, बट वो 5 रुपए का जो शेयर है उसके 0 होने के चांसेस 99% से भी ज्यादा है। तो इसीलिए हमें पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप 5 रुपए का शेयर खरीदोगे तो आप एक शेयर नहीं खरीदोगे, आप पूरी कैपिटल ही लगाते हो। अगर हमें स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए हम लगा रहे हैं तो पूरे 1 लाख रुपए के आप 5 रुपए के भाव से वो शेयर खरीद लोगे, तो अगर वो 0 हो गया तो पूरी कैपिटल आपकी डूबती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि 5 रुपए का शेयर खरीदूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना नुकसान होगा, 5 ही रुपए का तो नुकसान होगा, बट हम एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं ना दोस्तों, हम पूरी कैपिटल लगा रहे हैं तो हमारा पूरा कैपिटल का लॉस होगा। इसीलिए हमें पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है, पेनी स्टॉक खरीद के कोई ऐसा अमीर बना नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां परफॉर्म कर रही है, जो कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल साउंड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रिसर्च एंड स्टडी करके आप कंपनियां सिलेक्ट करिए और उन कंपनियों में पैसा लगाइए, पेनी स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए। वो आप वहाँ पे आपका टाइम पास होगा, पैसा आप बना नहीं पाओगे, लॉस भी करोगे। दोस्तों छठवां पॉइंट है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर के भी होना चाहिए शेयर, फार्मा सेक्टर के भी होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर के भी होना चाहिए, FMCG सेक्टर के भी होना चाहिए, स्टील इंडस्ट्री के भी शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर जो सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, उन सेक्टर्स के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी ऑटो अच्छा करता है, ठीक है, कभी FMCG अच्छा करता है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आएंगी, तो उसका वो अगर सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने से दोस्तों होता क्या है कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना हम कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, अगर वो बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए हमें जो अंडे है वो अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, अगर उसमें से 1-2 बास्केट टूट भी गई तो बाकी बास्केट हमारी सेफ रहती है। तो ठीक उसी तरीके से हम जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको डाइवर्सिफाइड रखिए, उससे हमारा रिस्क मिनिमाइज होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर हैं और उसमें से अगर 2-3 खराब भी हो गए, मतलब 2-3 कंपनी डूब भी गई, तो बाकी कंपनियों के शेयर आपके पास में बचे रहते हैं जो आपको बचाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाइड बनाइए दोस्तों। दोस्तों सातवां पॉइंट है कि अपने पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक से ज़्यादा मत रखिए, मतलब 10-15 स्क्रिप्ट से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 50-60 शेयर भर लोगे, 50-60 कंपनियों के शेयर भर लोगे, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। अल्टीमेटली देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो बना के भूल नहीं जाना है कि आपने पोर्टफोलियो तो बना लिया और आप सो गए, ऐसा नहीं। पोर्टफोलियो आपका बन गया तो बनाने के बाद उसको आपको ट्रैक भी करना है, उसको मैनेज भी करना है। आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उनमें क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, ठीक है, क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना है। तो ये नज़र आप तभी रख पाओगे जब आपके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रहेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर मतलब हम 15-20 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और 15-20 शेयर सफिशियंट है। 15-20 शेयर में आप पूरे के पूरे सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 15-20 शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उससे ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, वरना आपको मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। अगर आप शेयर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर पैसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि शेयर खरीदते उसको मैनेज करना है, कौन से कंपनी में क्या न्यूज़ है उस पर आपको नज़र रखनी है, अपडेट रखनी है। अगर कोई भी कंपनी में ख़राब न्यूज़ आती है तो वहाँ उस कंपनी को आपको बाहर भी को करना है, तो आप बाहर तभी कर पाओगे जब उसके बारे में आप अपडेट रहोगे। दोस्तों आठवां पॉइंट है कि मार्केट को कभी भी टाइम ना करें, ठीक है। टाइम करने का मतलब है कि मार्केट में आप टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्केट इस समय टॉप पे है, मैं कैसे पैसे निवेश करूं, मार्केट जब बॉटम पे आएगा तो मैं पैसे निवेश करूंगा, मार्केट जब नीचे आएगा तो मैं पैसे निवेश करूंगा।
दोस्तों मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। अगर ऐसा पता होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेता, हर कोई बॉटम पे ही खरीदता और हर कोई टॉप पे ही बेचता। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को, कोई फंड मैनेजर किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, विजय गड़िया, इन लोगों को भी नहीं पता है। अगर पता होता तो वो हमेशा उनके जो बाइंग प्राइस है बॉटम पे ही रहती और टॉप पे ही सेलिंग प्राइस रहती, बट वैसा नहीं है। उन्होंने भी ऐसे ऐसे शेयर खरीदे जो कंपनी डूब गई, कचरा कंपनी थी, ऐसे भी शेयर खरीदे। बट कुछ कंपनियां उनकी ऐसी थी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी वेल्थ बना के दी है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि मार्केट को हमें टाइम नहीं करना है, हमें रेगुलर बेसिस पे पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते जाना है और अपनी वेल्थ बनानी। सडनली कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट अचानक एक ही दिन में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाए, सेंसेक्स मान लो 2000-3000 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमने कोरोना वायरस के टाइम देखा था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस समय अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप वो पैसा भी लगा सकते हो, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पैसा लगाइए, बट मार्केट को टाइम करने के चक्कर में आप वेट कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब आप वेट कर रहे हो मार्केट करेक्ट होगा जब मैं पैसा लगाऊंगा, तो वो सही नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अचानक से मार्केट नीचे गिर गया, आपके पास में पैसा है एक्स्ट्रा, तो उसको आप लगा सकते हो, ठीक है, वो बात अलग हो गई। बट मार्केट को टाइम बिल्कुल भी ना करें, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता है। बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म की जर्नी में अच्छी खासी वेल्थ हमें बना के देगा, तो हमें हर लेवल पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाना है। दोस्तों नौवा और आखिरी पॉइंट है कि डोंट एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक रिटर्न। स्टॉक मार्केट से कभी भी अनरियलिस्टिक रिटर्न हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहा हूँ, यार स्टॉक मार्केट में अगर मैं पैसा निवेश कर रहा हूँ तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60% का रिटर्न तो मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अनरियलिस्टिक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, रियलिस्टिक रिटर्न क्या है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड मान लो 11-12% का एवरेज रिटर्न अगर देता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अगर बोल सकते हो तो 15-20% की एक्सपेक्टेशन हमें स्टॉक मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अगर हम खुद डायरेक्ट निवेश कर रहे हो तो 15-20% बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन रहोगे तो होगा क्या दोस्तों, उतना तो रिटर्न बनेगा नहीं, 50-60% का रिटर्न बनेगा नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि मैं गलत जगह पैसा निवेश कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पैसे उतने नहीं बन रहे जितने बनना चाहिए, ठीक है, मैं गलत जगह पर आ गया, स्टॉक मार्केट को आप गाली दोगे। तो ये सब मत करिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो रियलिस्टिक रिटर्न है, आपको अगर 15% का रिटर्न अगर डायरेक्ट निवेश करके अगर मिल गया तो क्या बुरा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न है। बाकी एसेट क्लास कितना रिटर्न दे रही है, एफडी आपको कितना रिटर्न देती है, 5-6% रिटर्न देती है, गोल्ड आपको कितना रिटर्न देता है, 8-9%, प्रॉपर्टी आपको कितना रिटर्न देती है, उन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। 15-16% कोई बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ऐसे 9 पॉइंट डिस्कस किए जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के पहले ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।